मुंडावर उपखंड क्षेत्र के बिरसंगवास गांव में करीब एक माह से सिंगल फेस का ट्रांसफार्मर फूक जाने से स्कूली बच्चों एवं ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक माह से ट्रांसफार्मर फूकने की बात को लेकर ग्रामीणों ने आज मुंडावर के विद्युत विभाग के कार्यालय के बाहर पहुंचकर रोड पर जाम लगा दिया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा मामले में बताया गया कि ट्रांसफार्मर दूसरे पक्ष के द्वारा नहीं लगाने दिया जा रहा है, जिसके चलते अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान लोगों ने रोड पर जाम लगाया। क्या समस्या है? यहाँ बिजली की समस्या है। ट्रांसफार्मर दे दिया और ट्रांसफार्मर के लाइन करवा लिया वह सर्वे की और फिर रोक दी, विपक्ष का रोक दी। एक भीम सिंह जमीन है वो नहीं खींच रहे ले रहा। अच्छा, जमीन का क्या कहना है मुंडावर वाले का? मुंडावर वाले का ये कहते हैं हम पुलिस भेज देंगे, हम फलाना कर देंगे, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, और वह ठेकेदार आज खंभा लेकर चलेगा, सब चीज़ लेकर चलेगा। फिर आई एन साहब उसको बुला लिया, कर लिया, उस आई एन का फोन आउट थी जय एन को। फिर वो जय एन उसके भीम की मानेगा, भीम आई एन है जो जयपुर में है उसकी मानेगा। और फिर वहाँ से लेवल लाइन ही नहीं जुटने में बच्चों को यहाँ से लाइन। बिरसंगवास गांव के ग्रामीणों के द्वारा रोड पर जाम की सूचना पर मुंडावर थाना प्रभारी संजय शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समझाइश कराकर जाम को खुलवाया। मुंडावर से सुनील की रिपोर्ट।